प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर की भूमि ज्ञान की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ से धर्म और अध्यात्म की लहरों से बारंबार उठकर न सिर्फ संपूर्ण आर्यवत अपूति समग्र विश्व को ओतप्रोत किया है। गोरखपुर की भूमि गुरु गोरक्षनाथ की भूमि है। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति नियुक्त होने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुँचने पर कहा कि हिंदी अनिवार्य होने से हिंदी नहीं रहेगी, हिंदी लोगों के द्वारा स्वीकार्य होने से रहेगी। स्वीकारता और अनिवार्यता से कोई संबंध नहीं है। वैश्विक स्तर पर हिंदी को कोई चुनौती नहीं है। ये वो भूमि है जहाँ से धर्म अध्यात्म की लहरों ने बारंबार उठकर न सिर्फ संपूर्ण आर्यवत अपूति समग्र विश्व को ओतप्रोत किया है। गोरखपुर की भूमि गुरु गोरक्षनाथ की भूमि है। ये बुद्ध कबीर और महावीर की भूमि है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात देश के विकास में गोरखपुर का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गोरखपुरी से बात करते हुए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला ने कहा, प्राथमिकता तो यही है विश्व में गूंजे हमारी भारती। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना इसी दृष्टि से हुई भी है कि भारत की जो भाषा है, भारत की जो जबान है, वो वैश्विक जबान बने, वैश्विक भाषा बने, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और संबंध की भाषा बने और पूरी दुनिया में जो हिंदी भाषी हैं लगभग दुनिया के 30 देशों में उनके साथ भारत के लोगों के सीधे रिश्ते कायम हों तो अपनी भाषा में हो सकते हैं। ये स्थिति तभी आएगी जब हिंदी उच्च शिक्षा की भाषा बने और यही इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है और मेरा भी सपना है। देखिए, हिंदी और गोरखपुर का बहुत विशेष संबंध है। पूरी दुनिया में हिंदी अगर जीवित है तो गीता प्रेस के कारण से। अगर गीता प्रेस की किताबें पूरी दुनिया में न जाती तो हिंदी भी इतिहास की भाषा हो जाती। हर घर में जहाँ हिंदी की कोई एक किताब मिलेगी तो निश्चित रूप से गीता प्रेस से छपी हुई किताब होगी। इसलिए हिंदी के लिए काम करने वाले, हिंदी भाषा में काम करने वाले, भारत की हिंदी संस्कृति के हिसाब से काम करने वालों के लिए गोरखपुर गीता प्रेस गीता वाटिका एक तीर्थ भूमि है और इस बार के गोरखपुर आने में मैं इसी तीर्थ यात्रा का अनुभव कर रहा हूँ। कभी अनिवार्य भाषा नहीं थी, इसलिए यह बात तो बेमानी है। हिंदी अनिवार्य भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों में है और वहाँ कोई सरकार समाप्त नहीं कर सकती और समाप्त करना भी नहीं है। त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य है कि एक हिंदी हो, एक वहाँ की स्थानीय भाषा हो और एक विद्यार्थी अपने ढंग से भाषा का चुनाव कर सके, जिसके कारण से त्रिभाषा सूत्र को लेकर के दक्षिण के एक दो राज्यों में थोड़े से प्रतिरोध के स्वर हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिसे हिंदी का हृदय प्रदेश कहते हैं वहाँ यह दुष्प्रचार जैसा आ रहा है कि हिंदी की अनिवार्यता समाप्त हो गई। 70 वर्षों में केंद्र के स्तर पर हिंदी कभी अनिवार्य भाषा थी ही नहीं और हिंदी अनिवार्य होने से हिंदी नहीं रहेगी, हिंदी लोगों के द्वारा स्वीकार्य होने से होगी। स्वीकार्यता और अनिवार्यता का कोई संबंध नहीं होता है। यह नई शिक्षा नीति हिंदी को स्वीकार्य भाषा बनाने की शिक्षा नीति है और भारत के बहुभाषी चरित्र को भी जिंदा रखने की शिक्षा नीति है। देखिए, वैश्विक स्तर पर हिंदी को कोई चुनौती नहीं है। वैश्विक स्तर पर हिंदी अप्रतिहत रूप से बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व विजय की नीति है, मैं उसे विदेश नीति नहीं कहता, मैं उसे विश्व विजय की नीति कहता हूँ, उस नीति का सबसे बड़ा हथियार, सबसे कारगर हथियार हिंदी है। यदि पूरी दुनिया में उन्होंने हिंदी में बोलना, हिंदी में लोगों से संवाद करना नहीं किया होता तो भारत की आज जो पूरे दुनिया के स्तर पर स्थिति है वो न प्राप्त हुई होती। एक समर्थ सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत इसीलिए आज दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत अपनी वाणी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, अपनी जबान में बोलता है। उधार की जबान में अपना स्वाभिमान प्रकट नहीं होता। आज हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में दिख रहे हैं। इसलिए जो चुनौती हिंदी को है वह भारत के अंदर है, विशेषतः उन लोगों के द्वारा है जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में भी नहीं देखना चाहते, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की योजना बना रहे थे और उनके लिए अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जिसके द्वारा देश को तोड़ा जा सकता है, एक बार और काटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अंग्रेजी इस देश में विभाजन और बांटने की भाषा रही है। उसके पक्ष में हिंदी का विरोध करने वाले लोग वो लोग हैं जो राष्ट्र के एक रूप को और राष्ट्र के एक रूप होकर के पूरी दुनिया में प्रभावी
राष्ट्र के रूप में उभरने को देख नहीं पा रहे हैं।